फुल मारे एक म्हणजे इतना तकलीफ दिए को तो मैं नीचे दो सौ दिख दे लिया। पांच दिन के लिए उनको टॉर्चर किया है। सिंस ही हैज लॉस्ट हिज राइट आर्म टुडे। जान तो बचाना ना, हाथ तो नहीं चलेगा, हाथ भी चलेगा, अब जान तो होना ना। देख सकते हैं हमारे रिकमेंडेशंस हैं कि इमीडिएटली डिसिप्लिनरी इंक्वायरी बैठे पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर किए जाएं पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जिन्होंने अपनी पावर का ऐसा ब्लेटेंट अब्यूज़ किया है एक आम आदमी पे हाथ उठाने के लिए। So we want immediate registration of FIR, we want a disciplinary inquiry, we want compensation, at least 50 lakh compensation to be given to Salman Khan and his family since he has lost his right arm today. And we want that there is a detailed inquiry that is into looks into this specific instance as well as other instances of police brutality that have been done by Barsal police station, and those are our demands. And hereafter, if we don't see that happening, we will continue to mount public pressure and we will continue to see that the procedure of law is followed hereafter and keep a close eye on the case and take all legal next steps that are required. मैडम बताइए, जिस तरह से अभी सलमान खान के ऊपर जो हुआ है इंसिडेंट, तो आपकी जो एसोसिएशन है वो इसमें कितना कहाँ तक कितने हद तक जो है आपने फैक्ट फाइंडिंग किया है? तो हमने सलमान खान जो विक्टिम है इस घटने में उनके साथ बात किए हैं, हम सोमशेखर जो इंस्पेक्टर है वर्तूर पुलिस स्टेशन में उनके साथ बात किए हैं, हम सुरक्षा स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें सलमान खान लेके गए थे पुलिस वालों ने उनके साथ बात किए हैं, हम उनका दीदी उनका भाई उनका माँ और उनका पापा के साथ भी बात किए हैं, और हम हसमत हॉस्पिटल भी गए हैं उनको देखने के लिए। ये सब फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए यही फैक्ट्स आया है और यही सलमान खान ने बताया हमें। उन्होंने बताया कि 27th नाइट को रात 10:30 20 को 7 तारीख को 10:30 घंटे को पकड़ लगे सो फुल वर्कर है फुल मारे एक म्हणजे इतना तकलीफ दिए को तो मैं नीचे दो सौ दिख दे लिया हूँ लटका दिले थे। पुलिस वालों सिविलियन क्लोथ्स नॉर्मल क्लोथ्स और नॉर्मल व्हीकल्स में आके 10:30 उनको लेके गए, जब वो लेके गए भी उनको ऐसे बीट कर रहे थे और उनको कार में डाल रहे थे, और 27th उनको पुलिस स्टेशन लेके उनको उनसे कन्फेशन लेने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। जान होना सोगी तुमना हाथ होना कहे, जान बसती नहीं, हाथ काटे तो जान बसती सो कर बोले। अब हमें अब क्या करते हैं, बोला बच्चे को जान तो बचाना ना, हाथ तो नहीं चलेगा, हाथ भी चलेगा, अब जान तो होना ना हमना। उसके बाद हमें क्या कर रहे, हमारे बच्चे का जान ही दे डालो, हमारा हाथ नहीं तो जान देकर बोल को, हमें हाथ ही बच्चे का जान ही बचा लिया। पाँच दिन के लिए उनको टॉर्चर किया है, उनके बैग के पीछे रॉड डाल के टाई करके उनको रखे थे टॉर्चर करने के लिए, उनके टोज में रोप डाल के उनको सस्पेंड किए थे, और उनके हाथ पे बूट्स पहन के हाथ पे वो छुड़ाए थे, दे वर स्टैंडिंग ऑन हिज हैंड एंड ही वॉज टॉर्चर टू सच एन एक्सटेंट, उनका हाथ एम्प्यूटेट होना चाहिए था क्योंकि इतना बुरा हुआ था, इतना बुरा टॉर्चर हुआ था, इतना इन्फेक्शन हुआ था ये टॉर्चर से कि हाथ एम्प्यूटेट होने वाला था। तो अभी उनका हाथ एम्प्यूटेट हुआ है, हमारे रिपोर्ट में इसका पिक्चर्स भी है जो एम्प्यूटेशन हुआ है, और ये एम्प्यूटेटेड हाथ को भी वो डिस्पोज किए हैं। तो ये सब हुआ है सलमान खान को नियरली ऑन द एलिगेशन ऑफ हिम हैविंग बीन इन्वॉल्व इन थेफ्ट ऑफ बैटरीज। थेफ्ट ऑफ बैटरीज में इनका कोई इन्वॉल्वमेंट है बता के उनको पुलिस स्टेशन लेके गए हैं, और पाँच दिन के लिए कोई अरेस्ट मेमो नहीं है, मैजिस्ट्रेट के सामने लेके आना है 24 आवर्स में। क्या मैडम इसका एफआईआर हुआ था कि नहीं? नहीं, सोम हम इंस्पेक्टर को पूछे थे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन कि क्या कोई एफआईआर हुआ है या नहीं, उन्होंने बताया कि नहीं सलमान खान के ऊपर कुछ एफआईआर नहीं है, हम इंक्वायरी किए थे और इंक्वायरी से यही आया कि उनके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए हमने उनको रिलीज़ किया, उनके ऊपर कुछ प्रायर केसेस भी नहीं है,
यही हमें इंस्पेक्टर ने बताया। ओके मैडम, सलमान खान के बयान से, अगर नाउ सलमान खान इज एन अक्यूज्ड, तो उसके बयान से क्या आप लीगल कार्रवाई कर सकते हो? सलमान खान इज नॉट एन अक्यूज्ड, इनफैक्ट द पुलिस देमसेल्व्स हैव इन्फॉर्मड अस दैट देयर इज नो एफआईआर अगेंस्ट हिम। ओके, ही इज नॉट एन अक्यूज्ड, ही इज अ विक्टिम। So now he is a victim. Yes. So on the basis of his statement, yes, can you proceed legally? In fact, I believe Salman Khan's family is proceeding legally. Okay. They have filed before several authorities to initiate action against the officials. Okay, kitna max kitni dur tak ja sakta hai madam ye, kiske kon kon involve hoga isme? जो भी इन्वॉल्व है, जो भी ये ऑफिशियल्स, ये तीन ऑफिशियल्स जिन्होंने इनको ऐसा टॉर्चर किया है, वो इन्वॉल्व होंगे। इंस्पेक्टर जो भी स्टेशन में है, उनको पता होना चाहिए, वाइकेरियसली ही शुड नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज स्टेशन, वो भी लायबल है। द स्टेशन हाउस ऑफिसर एंड द इंस्पेक्टर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमराज नॉट ओनली आउटसाइड द पुलिस स्टेशन बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन द रूम वेयर इंटरोगेशंस आर कंडक्टेड एज वेल देयर शुड बी सीसीटीवी कैमराज स्पेसिफिकली सो दैट टॉर्चर डजंट हैपन। इवन दैट हैज नॉट बीन डन। All of these officials have to be held accountable. FIRs have to be registered against them. They have to be arrested. Disciplinary action should be initiated against them, pending which they should be suspended. The state must immediately ensure that CCTV cameras are installed in every corner of the police station, and compensation to the tune of at least 50 lakhs should be given to Salman Khan. If you can imagine for one instance that this is his right hand that he's lost. He works at a meat shop. This is his dominant hand that he uses to work. What is he going to do now for his livelihood? मेरा नाम शिल्पा है, मैं ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ जस्टिस का मेंबर हूँ और फैक्ट फाइंडिंग टीम का मेंबर हूँ।